बीजेपी के प्रवक्ता बन गए अधीर रंजन चौधरी। नहीं देखिए, अधीर रंजन चौधरी तो पक्के में हमारे नेता है, लेकिन उनके कुछ बातों से, कुछ बयानों से हम पार्टी सहमत नहीं है। उनका वो व्यक्तिगत बयान है, लेकिन मैं दो चीजें जरूर इसमें रखना चाहूंगा अंजना जी। पहली चीज के देश के प्रधानमंत्री ये कहे ना, एक एकलौते नेता है जिनको मानते हैं, तो क्या वो महिला सुरक्षा की लड़ाई प्रज्वल रेवन्ना, बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, ऐसे जो पूरी फेरिस्त है बड़ी, अंकिता भंडारी के जो गुनहगार है उनको लेकर लड़ रहे हैं? और भ्रष्टाचार की लड़ाई अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, हेमंत बिसाव शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, यहाँ पर यामिनी जाधव लड़ रही है, इन लोगों को लेकर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनको लगता है जनता को समझेगा नहीं? इन्होंने पार्टियां तोड़ी, संविधान को तहस नहस किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया इन्होंने समिति से, और ये कहते हैं कि हम किसी को कुछ समझ में नहीं आता। देश के प्रधानमंत्री ने जब संविधान कोई नहीं तोड़ सकता ये कहा, तो फिर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा, जो छह इनके बड़े नेता है जिन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 हमें जगह चाहिए, उनको क्यों नहीं खरी खोटी सुनाई? उनको क्यों नहीं, उनकी उनकी टिट्टी क्यों नहीं काटी? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं ली? तो ठीक है, इनके मन की बात जो है ना, अजालो इनकी जी। मुख की पुस्तक देखकर हाँ जनता ने पढ़ ली है, ठीक तो है, ये सच्चाई है। जो बंगाल की सीटों पर चर्चा कर अरे रही थी, दो अंजना जी, स्पेसिफिक सीटों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ अजय जी। दोनों पर आप जवाब दीजिएगा। वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कई नाम ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिनको आपने गले लगा लिया उनका भी नाम ले रहे हैं। लेकिन देखिए, हैदराबाद की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। मैं हैदराबाद भी बीते दिन थी, 54% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। अच्छा, माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी को एक तरह से लड़ाई देने के लिए वो कोशिश कर रही है पासमानदार शिया मुस्लिम आए उनकी तरफ वोट दे, लेकिन क्या वाकई जो 40 साल से एक परिवार का गढ़ है वहां पर वो सेंध लगा पाएंगे? आप आसनसोल पहुंची है बंगाल में, पहले पवन सिंह के नाम का आप लोगों ने ऐलान कर दिया, फिर पता चला रहे इसके तो वीडियो ही सब वहां के इमोशंस के खिलाफ थे, सेंटिमेंट के खिलाफ थे। फिर आपने SS अहलूवालिया साहब को दुर्गापुर से उठा के शत्रुघ्न सिन्हा के सामने खड़ा कर दिया है। क्या ये वहां पर आपको मुश्किल पैदा कर सकता है? क्योंकि उत्तर बंगाल में अगर आप देखें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी। आसनसोल तो TMC को पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा ने दिलाया उपचुनाव में 22 में। देखिए, उपचुनाव में हमेशा सरकार की चलती है, सब कोई जानते हैं। इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा के उपचुनाव जीतने से आसनसोल के सीट का गणित नहीं बदलता है। ये मत भूलिए कि सुरेंद्र जी सिंह अहलूवालिया आसनसोल में ही पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, बिहार के रहने वाले हम लोग जानते हैं, लेकिन आसनसोल पूरे पश्चिम बंगाल में उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत हुआ है। और जहां जहां गए लास्ट मोमेंट पे गए जीते हैं, चाहे वो दार्जिलिंग हो, चाहे दुर्गापुर हो, अब आसनसोल हो। यहां पे भी 3 दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ था और आसनसोल की जनता उनमें विश्वास व्यक्त करेगी, क्योंकि जिस सीट को भी रिप्रेजेंट किया है उस सीट में इतना काम किया है कि लोगों का उनके प्रति विश्वास बढ़ते गया है। यही है भारतीय जनता पार्टी की शक्ति। हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूं, माधवी लता जो लड़ रही हैं, उनको मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग का समर्थन मिल रहा है, जो ओवैसी के द्वारा सताया हुआ है, उसमें महिलाएं हैं। आपको पता है अनकन्फर्म रिपोर्ट के अनुसार 50,000 लड़कियां अरब भेजी जाती हैं हैदराबाद और वहां से तेलंगाना से, उन सबका परिवार, उन सबका पीड़ित परिवार, इन सबकी लड़ाई माधवी लता राजनीति में आने से 10 साल पहले से लड़ रही है। तो मैं ये बात, दूसरी बात बंगाल के बारे में बात कर रहा था, ये अधीर रंजन चौधरी, आप इनसे कोई भी सवाल पूछिए, ये लोग आपस में बात करने लगेंगे, एक दूसरे की टांग। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? बीच में नहीं माधव जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपसे जवाब ले लूंगी इसके बाद, मेरा वादा है। रुक जाइए, उनको पूरा करने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास माधव जी, इसके बाद आप ही बोलेंगे। ये इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन जो है, जो सो कॉल्ड INDIA है, इनकी इनकी नस इनकी आदतें केकड़े जैसी है। ये केकड़े हैं बेसिकली, एक चढ़ेगा दूसरा घींचेगा, एक चढ़ेगा दूसरा घींचेगा। तो ये हमारी समस्या थोड़ी ना है। कांग्रेस घींचती है, CPI चढ़ने लगती है केरला में, कांग्रेस उसको नीचे घींचती है। राहुल गांधी कहते हैं मुख्यमंत्री को जेल भेजो, हम उसके बाद CPI वहां पर लड़ाई करेगी। अब बंगाल में गठबंधन करके ममता दीदी से लड़ेंगे। ममता दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी और को वोट मत देना, लेकिन कांग्रेस और इसको CPM को वोट दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगा। क्या लड़ेंगे हमसे, क्या खा के लड़ेंगे? इनमें कोई यूनिटी नहीं, इनका एक ही लक्ष्य है किसी तरह से सत्ता को चिपके रहो। अब ये कह रहे थे बेरोजगारी की बात, तो सच्चाई है भाई, बंगाल में तो बेरोजगारी है ही नहीं। 5 लाख से 15 लाख प्रति कैंडिडेट लेके सारा का सारा शिक्षा घोटाला का सारा सीट बेच दिया उठा के, कहां से बेरोजगारी रहेगी बंगाल में? वहां तो बड़ी हरियाली है ना माना गुप्ता, गजब बात करते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने केस स्टे दे दिया, हाई कोर्ट ने केस कैंसिल कर दिया, शर्म नहीं आती है बेरोजगारी की बात करते हुए? अरे हमने तो स्वरोजगार योजना के तहत 37 लाख करोड़ रुपया मुद्रा लोन इकट्ठा करवाया, 48,000 से ऊपर जनधन अकाउंट खोले, देश की इकॉनमी बदल रही है, स्वरोजगार बढ़ते जा रहा है। आपने उन पर टिप्पणी किया था, राजनीतिक बेरोजगारी इन पे हो गई है।
मालव जी, राजनीति बेरोजगारी की जब ये बात करते हैं ना, पता चल जाता है कि कब कब ये सिंबल बदलते हैं। पलटू राम इनके यहाँ सिर्फ एक नेता नहीं है, ये भी एक पलटू राम है, और पलटू राम करते करते ये सिर्फ चाटुकारिता में चले गए हैं। अलौकिक हो, ये देश की व्यथा को समझिए। आज जो संजय शर्मा की बात करते बेरोजगारी की बात सोचिए, समझे ना, पूरा का पूरा चिट्ठा खुल जाता है तो आप चुप हो जाते हैं। संदेश खाली जैसे कितने संदेश खाली अपने मोबाइल में बनाए हुए हैं, सबने देखा है। अरे पूरे देश को आलोक जी बीच में नहीं, कितने गिरफ्तारी है और किस तरीके से आपने पूरे देश को धोखा दिया, पैसे दे के गलत बयानबाजी आप करा रहे हैं। आपके अपने नेता ने वीडियो में आके कबूला है, क्यों नहीं बताना चाहते? अरे आप जैसे मेहनती है और दौरा लेने वाले लोग, हम लोग तो सिखाएंगे। आप स्वस्थ और रोजगार की बात करते हैं, कौन से रोजगार से सम्मिलित है आप? क्या रोजगार है आपके कि भैया बीजेपी का झंडा थाम लिया? क्यों ऐसा ईडी सीबीआई का डर लग गया कि पता चल गया कि जेडीयू के नीतीश जी पर पलटू राम में हम भी एक पलटू राम बन जाए? आपको आपको सिर्फ एक मुखिया भीम हो रखा है, सुनिए, आपको ऐसा मुखिया भीम हो रखा है कि जो मोदी 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 ही दिखेगा। पहले अपने आपको अलौकिक करिए, नाम आपका अलौक है, अलौकिक कर नहीं पा रहे। अजय भी रख दिए, अरे कर लिया, लेकिन पलटू राम है ना आज? अरे पलटू राम है ना जी? अरे पलटू राम है ना जी? सारा पलटू राम तो इन्वेस्ट कर दिया। अरे आप पलटू राम है कि नहीं है? सारा बंगाल को इन्वेस्ट कर दिया ना यार, क्या प्रवासी मजदूर रोहिंग्या के साथ सारा बंगाल को इन्वेस्ट कर दिया? बार बार चुकी पलटने की बात हो रही है, एक बार जरा दिखाइए उनको, राजीव रंजन जी को। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लू, ललन सिंह, ललन साहब, बहुत पता चला था कि बीजेपी वाले बड़े नाराज थे, पहले उनको दरकिनार आपको करना पड़ा, तब जाके गठबंधन के लिए वो राजी हुए, वो भी मुंगेर से चुनावी मैदान में है। देखिए सबसे पहली बात, बीजेपी वाले कहां उनके साथ मिलकर लड़ेंगे? पूरी तरह से मिलकर लड़ रहे हैं, जितनी सभाएं हुई हैं सब में बीजेपी के बड़े नेता शामिल होते रहे, नॉमिनेशन से लेकर के बिल्कुल कल तक की भी जो सभाएं उनकी है। पर राजीव जी ये तो एक सच्चाई है ना कि ललन सिंह के नाम पर ही सबसे ज्यादा लड़ाई थी, गृहमंत्री अमित शाह हर रैली में ललन सिंह का नाम लेते थे, ललन सिंह को पद से पहले हटाया गया, उसके बाद जाके आप लोगों का गठबंधन हो पाया, अब जमीन पर जो कार्यकर्ता वो कैसे दिल मिला लेगा? भारतीय राजनीति में ऐसे सवाल बराबर उभरेंगे और इनका जवाब जनता दे देती है, यह अलायंस जनता का स्वाभाविक और नैसर्गिक गठबंधन है, इसीलिए जनता का वोट मिलेगा। अभी आप देखिए, अगर आपको थोड़ा अजीबोगरीब हम लोगों का आना लगा होगा तो आप उससे कम अजीबोगरीब ये इंडिया अलायंस भी नहीं लगेगा कि जहां 42 की 42 सीटें टीएमसी भी लड़ेगी और कांग्रेस भी लड़ेगी, और इंडिया अलायंस फिर भी बना हुआ है, लेफ्ट भी लड़ेगा लेकिन वो अलायंस बना। ऐसी स्थिति तो कम से कम एनडीए में नहीं है। और जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है तो 20 वर्षों का लगातार उनका साथ एनडीए के साथ रहा है, 94-95 ऑनवर्ड लगातार वो बीजेपी के साथ रहे, गए आए, लेकिन जनता के बीच जो एनडीए और जनता दल यूनाइटेड के बीच का जो रिश्ता है उसको ज्यादा स्वीकार करने की स्थिति है, और इसीलिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है, दो परफॉर्मर्स एक साथ लड़ रहे हैं और इसका असर बिहार पर होगा। नीतीश कुमार जी ने बिहार में नौकरियां दी, नीतीश कुमार जी ने बिहार में आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार किया, सामाजिक समरसता की दृष्टि से चाहे वो आरक्षण का सवाल हो या जो भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के बिहार एक मॉडल है, शराबबंदी जैसा ऐतिहासिक निर्णय है, इसीलिए दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं, और ये 10 वर्ष निसंदेह बेहद उल्लेखनीय ये 10 वर्ष है। इसलिए जब एक जोरदार अलायंस जिसको जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, पहली बार प्रो इनकम्बेंसी आपको हर जगह दिख रही है, और दूसरी तरफ अपनी साख बचाने के लिए परेशान कांग्रेस टीएमसी तमाम दल। अब देखिए जो विमर्श की शैली मैं अभी टीएमसी को भी देख रहा था, लगातार ऐसी हताशा और बौखलाहट, क्या इतना तय है कि बंगाल में संदेश खाली ने जो वहां की अराजक तस्वीर है उसको पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया है, हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि चाहे कांग्रेस के साथ अलग रह करके लड़ना या कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते, दोनों परिस्थिति में बीजेपी को वहां मनोवैज्ञानिक बढ़त है और वहां एक बड़े अंतर से ज्यादा सीटें बीजेपी वहां जीतने जाए। ठीक है, ठीक है। अतुल पाटिल साहब,
वो कह रहे हैं 10 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल उनको तीसरी बार जिताएगा। ये जो सबसे बड़ी बात राजीव रंजन जी की थी वो यही थी कि वो कार्यकाल ही जिता देगा। आप लोग जितना भी करें और विपक्षी गठबंधन कहीं पर टूटना, कहीं पर सीट शेयरिंग करना, जनता को आप ही ने कंफ्यूज किया है। नहीं, कोई कोई जनता कहीं कंफ्यूज नहीं है। एनडीए कहाँ है इनको पता नहीं, अकाली दल कहाँ है, एआईएडीएमके कहाँ है, कहाँ कहाँ से जोड़ तोड़ के लोगों को बिठाया। 25 पार्टियां ऐसे जिसमें जिसकी शून्य सांसद है, 7 पार्टियां ऐसे जिसके 2 सांसद है। लेकिन देखिए, जनता क्या देखेगी? जनता ये देखेगी कि 10 साल में जो कर्जा देश पर 70 साल में 55 लाख करोड़ का था वो 210 लाख करोड़ का हो गया। जनता ये देखेगी कि यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि जब देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट होता है और रुपया गिरता है आईसीयू में होता है तो ये तो 58 रुपये पे बात होती थी, अब तो वो 83 रुपये चला गया है। इन्होंने पेट्रोल डीजल और इस पर इतने टैक्सेस लगाए हैं कि 35-40 लाख करोड़ लोगों के जेब से निकाल दिए। और विफलता तो अभी हमारे अजय जी बता रहे थे, 50,000 लड़कियां हैदराबाद से जाती है, विदेश मंत्रालय क्या पाकिस्तान के पास में है क्या, या ट्रंप देखता है देश का, भारत देश का विदेश मंत्रालय? 50-50 हज़ार लड़कियां जाती है और देश के प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री, गृह मंत्री क्या मुंह देखते रहते हैं क्या? ये तो शर्म आने वाली बात है कि 50,000 लड़कियां जाती है, ये तो शर्म आने वाली। और भी बात है कि इस देश में 3 लाख करोड़ का 3 लाख करोड़ का ड्रग्स जो है वो गुजरात से आया, गुजरात के पिपावा पोर्ट से आया, मुंद्रा पोर्ट से आया। बीच में बोलो मत, बीच में बोलो मत, समझता नहीं जी। मैं इसके बाद जवाब लेने आऊंगी आपके पास, आप ही को जवाब देना, उनको पूरा कर लेने दीजिए। लेकिन अतुल पाटिल साहब देखिए, मैं जब ट्रैवल कर रही थी दिन में, मैं कुरुक्षेत्र में थी जहां पर नवीन जिंदल के सामने सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, आपके ज्वाइंट कैंडिडेट है हरियाणा में। वही पंजाब पहुंची लुधियाना शाम में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले स्टेज पर खड़े होकर एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से कोस रहे थे और जनता वहां पर यह सवाल पूछ रही थी कि कहां पर ये साथ लड़ रहे हैं, कहां अलग लड़ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग एक लोगों के बीच संदेश जा रहा है वो वोटर को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है, या एक इशू है जमीन पर? मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ पाए हैं। नहीं देखिए अंजना जी, जमीन पे इशू क्या है ये हम भी समझ रहे हैं। आपने भी देखा, आपके साथ मैंने भी एक हेलीकॉप्टर शॉट किया है और हेलीकॉप्टर शॉट कैसा बैठा आपने देखा बारामती में। तो एक बात समझ लीजिए कि कहीं राजनीतिक लड़ाई है, जहां बीजेपी कुछ नहीं है वहां हर पार्टी चाहती है कि अपना बेस बढ़े, अपनी पार्टी बढ़े, तो यह राजनीतिक लड़ाई है। जहां बीजेपी है जिसके वजह से देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को खतरा है, वहां हम लड़ रहे। देखिए, एक बार भी प्रोग्राम की बात नहीं की, मैं अभी और एक प्रोग्राम बताता हूं। इस देश में मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास लोग एजुकेशन लोन से परेशान है। हमने उनसे वायदा किया है, गारंटी दी है कि हम आते से ही इनका एजुकेशन लोन माफ कर देंगे, 30 लाख नौकरियां निकालेंगे। हम बात करते हैं 400 मिनिमम वेज को हम 400 करेंगे। हम बात करते हैं कि शहरी मनरेगा लाएंगे। हम बात करते हैं हिस्सेदारी की। एक भी प्रोग्राम इन्होंने बताया नहीं है, ये डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। देखिए, अजय आलोक जी भी सही बात बोलने पर वो बौखला जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें समझता नहीं है। मैंने तो मंत्रालय के नाम लिए हैं, उन्होंने 50,000 लड़कियों की बात की तो ये बात तो विदेश मंत्रालय में समझने है, डिफेंस मिनिस्ट्री को समझनी चाहिए, होम मिनिस्ट्री को समझनी चाहिए, क्या आईटीबीपी क्या करती है, देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, ये तो बड़ी शर्म की बात है। ये तो फिर बीजेपी रहे या कोई दूसरी पार्टी रहे, ये दल की बात नहीं है, ये तो बहन बेटियों की बात है।